अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल TLP स्पीकर रिपेयरिंग लैब। आज ठीक करेंगे, ये माइक वाला स्पीकर है ब्लूटूथ, और इसका जो फॉल्ट आ रहा है, इसका फॉल्ट है कि ये चलता है और इसकी ब्लूटूथ नहीं चलती। बाकी सारा ओके है, USB चलती है, FM चलता है और माइक भी चलता है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं हो चल रही इसकी। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि ये ब्लूटूथ कैसे चलेगी इसकी। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, ये गुजारिश है आपसे। ये देखें, ये ऑन हो गया है, ब्लूटूथ पे आ गया है। ठीक है, ये आपको, ये FM, इसका FM चल रहा है इसका, और ऑक्स भी चल रही है इसकी, और ये USB। ए तन मेरा सरकार। ठीक है, ये सारा कुछ चल रहा है, अब ये वापस ब्लूटूथ पे आ गए। अब हम इसको, ये देखें, कनेक्ट करते हैं। ये ना ब्लूटूथ नहीं आ रही इसकी। ठीक है, ब्लूटूथ शो नहीं हो रही। अगर आपके स्पीकर की ब्लूटूथ इस तरह ख़राब हो जाए तो आप इसके अंदर नई ब्लूटूथ लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे आपको बताते हैं हम। तो अगर किसी भी स्पीकर की, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी स्पीकर की ख़राब हुई है ब्लूटूथ तो आप इसी की चेंज करेंगे। कोई भी आपके पास पहले ही जो है ना ब्लूटूथ वाला स्पीकर है जिसकी ब्लूटूथ ख़राब हो गई, ऐसे ऑप्शन जाता है ब्लूटूथ पर, कनेक्ट नहीं होती या डिसकनेक्ट हो जाती है, तो आप इस तरह नई चिप लगा सकते हैं। एक आपने ये चिप लेनी है ब्लूटूथ। ठीक है, ये चिप हम इसके अंदर लगाएंगे और आपको बताएंगे। ये हमने कनेक्शन पहले ही कर लिए थे इसके, ये इसके पावर के 5 वोल्ट के, और ये इसके लेफ्ट और राइट है, लेकिन इसमें से एक इस्तेमाल होगी क्योंकि ये मोनो स्पीकर है। इसमें एक स्पीकर लगा हुआ है, ये 2-in-1 नहीं है, ये मोनो स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, एक बैटरी वाला रिचार्जेबल। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको ये ब्लूटूथ चिप लगानी बताते हैं कैसे लगेगी। इसी सर्किट के ऊपर लग जाएगी इसकी, ये हमने पहले ही खोल लिया था इसे ताकि वीडियो लंबी ना बने। आपने इसको ऑन कर लेना है और इसको ऑक्स पे ले आए आप, AUX ऑक्स पे। ये ऑक्स पे आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर किट पे ना ग्राम चेक करनी है, कहाँ ग्राम आ रही है इसकी। ऐसे लगाएंगे ना आप, ये देखें। ठीक है, ये 2-3 जगह ग्राम आ रही है इसके। ऐसे आपने कोई भी स्पीकर हो उसकी, ऐसे ऑक्स पे करके आपने ग्राम चेक कर लेनी है इसकी। ग्राम हमें मिल चुकी है, ग्राम आ रही है, ये आ रही है सर, ये आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, ये देखें। ठीक है, इसके ऊपर ब्लूटूथ का लेफ्ट लगाएंगे एक, इसको बंद कर लेते हैं। ये हमने लगा लिया है, ये देखें। ठीक है, ये एक लेफ्ट लगा लेना है आपने, राइट नहीं काम आएगा क्योंकि ये मोनो स्पीकर है, तो राइट नहीं लगाएंगे हम। अब इसका आपने इसके ऊपर से 5 वोल्ट लेने हैं, 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट, जो आप इतने ही चाहिए, 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट, तो इससे चल जाएगी, 4 वोल्ट से भी चल जाएगी ये। इसको दोबारा से ऑन कर लें।
इसकी जो ये स्पीकर वाली आईसी है ना, इसके ऊपर से करंट लेंगे, क्योंकि इसलिए इसके ऊपर से करंट लेना है ताकि ये जब ऑन होगा तो साथ ही ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगी। अगर हम कहीं और से करंट लेंगे तो ये जो है ना बैटरी इसकी ना ऑन करे बगैर बैटरी ख़त्म कर दिए करेगी ये किट, क्योंकि ऑन रहेगी किट ना। तो हम इसको इसलिए आईसी से लेंगे कि इसका करंट, ताकि ये ऑन होने के ऊपर फिर ये इसको ऑन करे ब्लूटूथ को। जब ये आईसी ऑन होगी, स्पीकर ऑन होगा, आईसी ऑन होगी, फिर ये ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये देखें 4 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसे ग्राउंड यहाँ से दे देंगे इसे, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं देनी तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। हम यहाँ से ग्राउंड लगा के इधर, और इसका ये जो इधर प्लस इसे देंगे ब्लूटूथ को, तो हमारी ब्लूटूथ ऑन हो जाएगी। आपको दिखाते हैं, ये हमारा लग गया, ठीक है। अब इसको ऑन करके आपको चला के दिखाते हैं। ये जो ब्लूटूथ इसकी पहले ही ख़राब है, ब्लूटूथ पे नहीं ऑन होगी, ठीक है, ये ब्लूटूथ है इसकी, ये देखें। तो हमने इसको ऑक्स के ऊपर लगाई है, ब्लूटूथ इसके ऑक्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है, ये एफएम, ये ऑक्स, और इधर हमारी ब्लूटूथ, इसको सर्च करेंगे, ये देखें ये नीचे आ गई है, ठीक है, ये लें जी, कनेक्ट हो गई है हमारी ब्लूटूथ, ठीक है। अब आपको चला के दिखाते हैं, ये देखें।